मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बुधवार को भोपाल में पदयात्रा निकालकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रदेश में होने वाले समारोह की शुरुआत की गई। महात्मा गांधी के संदेशों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गर्व है कि उसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी जैसे महानतम व्यक्ति ने किया है। करीब 1 किलोमीटर तक चली इस पदयात्रा में महात्मा गांधी की नित्य प्रार्थना में सम्मिलित 15वीं शताब्दी के अत्यंत लोकप्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए गाना गाया गया। कमलनाथ के नेतृत्व में रोशनपुरा चौराहा से सुबह 8:30 बजे पदयात्रा निकाली गई, जो मिंटो हॉल में जाकर संपन्न हुई। पदयात्रा के बाद कमलनाथ ने मिंटो हॉल परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कमलनाथ पुरानी विधानसभा चौराहे पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब सही राह की आवश्यकता होती है। आज हमारे देश, समाज और पूरी दुनिया में जो हालात है उसका निदान महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलकर ही होगा।